यहाँ पे हम सुबह सुबह बैठ के बातें कर रहे थे नीचे। आरती दीदी है, मम्मी है, सरता अम्मी है, और मम्मी ऊपर बेड पे बैठी हुई हैं, और हम सब बैठे बैठे सुबह चाय बना कर लाई थी मैं। चाय पी रहे हैं और सारे बैठ के बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह बैठ के बातें करने में, सबसे मन लग रहा था बहुत। सुबह सुबह अच्छा लगता है जब सुबह सुबह उठ के सारे बैठ के रजाई में बातें करते हैं ना। यहाँ पे मम्मी बैठी हो, चाय बर्तन मांज दिए, ये रहे नीचे सारे बैठे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं रसोई में। यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रहा है तो पोछा उछा मारूंगी, काम इतना फैल गया था कल के, पूरा गंदा हो गया। और यहाँ पाई हो रही है, यहाँ दिखाऊंगी मैं नाश्ता। ये फ्रेश ये दो तीन निकाल इसमें से, दो तीन निकाल के क्या फायदा होगा, चार पांच निकालो। ये देखो यहाँ पे फ्रेश बनते हैं गरम गरम चाय, मुझे नहीं दे रही। ये दो निकाल इसमें से, फैन भी गरम है। रोई दो, कल तुम पैर दो, क्या बदबू आ रही है, मैं उल्टी कर दूंगी। पागल हो गए, रुक जा, ब्लॉग बन रहा है, चिकन बन रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ये खा रही है, ये पूरी कल की, क्या ऐसे खा रही हो, क्या ऐसे भी खा लो, कुछ भी मिल जाए। नाश्ता हो रहा है 11 बजे, चाय सुबह से अब मिली है हमें। अब जब रसोई में ऐसे ऐसे लोग हैं तो 11 बजे चाय देंगे। ये देखो ऐसी कोई बात नहीं, सुबह से दो बार चाय दे चुके हैं हम लोगों को, एक बार आपने एक बार मैंने। नाश्ते वाली चाय की बात अलग होती है ना, वो लास्ट फाइनल चाय होती है, वो लास्ट फाइनल ज्योति दीदी ने चढ़ाई और गैस बंद करके गई थी। ये देखो चीकू क्या कर रहा है दीदी। हाँ, रोहित का नाश्ता, छोले चावल, डाइट है ये, छोले चावल है, मीट चावल, हाँ मीट चावल, चाय, एप्पल, और कुछ है मसाला नूडल मिल रहा है, आप मसाला, चाट मसाला, चाट मसाला भी डालेंगे, चाय भी पियेंगे, देखना रोहित का खाना और चाट मसाला नूडल डालने के लिए। मैं तो बता खा जाऊंगी, मैं तो दिखा दूँ, मैं कुछ काम भी कर रही हूँ, बना आटा गूंदा है अभी थोड़ा, मतलब क्या इधर हाफ फ्राई करके रखना है, ऐसा आटा मैंने हाफ करके रखा है। ये चीकू के 30 रुपए हैं, ठीक है। रात को जब डीजे बज रहा था ना, जब डांस हो रहा था, तब पैसे लुटे थे, चीकू ने 30 रुपए लुटे और अपनी जेब में रखे। जब चीकू चीकू तुम्हारे 30 रुपए देखो जब तुमने रात को लुटे थे। आए, लुटे थे तूने, चीकू देख लूटे थे पैसे। आरती दीदी की लड़की गाना गा रही साथ साथ। देख लिया, गाओ गाना गाओ।
अच्छा मम्मी हटियो, अच्छा मम्मी, अच्छा बाय। ब्लॉग में सारा कुछ रोका आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ब्लॉग में लाइक फॉलो कर दो, थोड़ा सा लाइक लाइक फॉलो फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। हाय करो, और हम आ गए हैं घर। दिव्या बना रही है हमारे लिए खाना पहले से। रसगुल्ले लाए हैं हम बिल्लू मम्मी के यहाँ से। देखो मैंने ना रसगुल्ले की डोलची भर लिया क्योंकि हमने पूरी सगाई में रसगुल्ले मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए थे। रसगुल्ले लाल और हरी चटनी बांध के लाई मम्मी। मैंने कहा कि कल समोसे मंगवाऊंगी बीबी, जब हम गए थे ना तो सगाई वाले जा रहे थे, हमें पकौड़े नहीं मिले, खत्म हो गए थे, पकौड़े नहीं मिले, पकौड़े बीबी वो वाली कहावत तो भगते भूत का लंगोटा वो मिला मुझे, पकोड़े ना मिले तो चटनी सही। हम चटनी ले आए, ये सोट की चटनी और ये सारी चटनी नहीं दिख रही है तो खारी दिख रही है। मैंने तो दो डिब्बा भरे और बीबी जयराम जी की कुछ तो लेना चाहिए, पकौड़े से चटनी चटनी में लोग तो इसको भी नहीं करे कितनी भर के ले जाए। ब्याह में क्या लाएगी, बहू को बैठा ला ना, ब्याह में तो एक बारात जाएगी पर हमें मंडे में करना पड़ेगा ये काम। अरे बेकार, घर आएंगे दिव्या, दिव्या तो घर रुकेगी नहीं, तो चाहती ही नहीं कोई बात। ये दिव्या ने बनाई है सब्जी, इन लोगों की खाना ये मिक्स वेज, और इन्हें मेरे लिए भी बना रखी है आलू गोभी गाजर मटर, जैसे देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं रोटी खाने जा रही हूँ, ठीक है। एक पार्सल मिला जो कि मैंने ऑर्डर किया था पापा के लिए, जो मैं बता रही थी ना, मैंने पहले इनके लिए भी जुराब मंगाई थी और फिर मैंने पापा के लिए भी मंगाई थी, तो मैंने पापा के लिए भी मंगाई थी, वो दिखाती हूँ कैसे मंगाई। देखो पापा ना सुबह बहुत लंबी मतलब पजामी पहनते हैं, तो मैंने पापा के लिए इतनी लंबी वाली जुराब मंगाई जो कि सुबह पापा उस पर जाते हैं बाइक पे, ठंड लगती है पापा को सुबह सुबह जाते हैं वापस, 6:30 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो ये मैंने लॉन्ग सॉक्स मंगाई है पापा के लिए क्योंकि पापा पजामे पहन के जाते हैं सुबह, तो पापा को ये अच्छी लगेगी शायद से, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। मैंने दो मंगाई और ये मैं इसलिए मंगा रही हूँ, मैं अभी नहीं दूंगी, ये हम संक्रांत के लिए पापा के लिए और मम्मी के लिए सामान मंगा रहे हैं। मैंने जैकेट भी मंगाई है, वो भी दिखाऊंगी, जो मम्मी के लिए जैकेट मंगाई है, मम्मी का सूट भी सिलवा रखा है, गर्म सूट है, वो भी दिखाऊंगी। तो हम अभी संक्रांत दूर है पता है मुझे, आप सोचोगे इतनी जल्दी से कर रही है पर फिर भी टाइम तो लगता ही है, धीरे 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 करेंगे तभी तो बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इतना करते हैं, हमारा भी तो बनता है उनके लिए करना। और ये देखो एक ही कलर है, एक कलर ये है, एक ब्लैक है।